हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी 1.2 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मछली का दाम कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है 1 केजी यानी 1 किलो मछली का दाम 120 रुपये है, तो 3 किलो 750 ग्राम मछली का दाम कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, इसमें बोला है कि 1 किलो का दाम 120 रुपया है, तो 3 किलो 750 ग्राम, इसको हम 4.25 किलो ही बोलते हैं। ठीक है, 750 ग्राम होता है 1.25 किलो, तो 3 किलो 750 ग्राम 4.25 किलो हो जाता है। इसमें हमें 4.25 किलो मछली का दाम निकालना है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। तो 1 किलो का दाम है 120 रुपये। ठीक है, हमें निकालना है 3 किलो 750 ग्राम। तो पहले हम 3 किलो का निकाल लेते हैं। तो 3 किलो कितना हो जाएगा, 120 को 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 360 रुपया। ठीक है, तो 3 किलो का आ गया 360 रुपया। अब हमें निकालना है 750 ग्राम का। तो 750 ग्राम निकालने से पहले सबसे पहले हम 100 ग्राम का निकाल लेते हैं। 100 ग्राम कैसे निकालेंगे, जो दाम 1 किलो का दे रखा है 120 रुपया, उसको 10 से भाग कर देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो बचेगा 12 रुपया। तो 100 ग्राम का 12 रुपया। तो 750 निकालना है, तो पहले 700 ग्राम निकाल लेंगे। तो 700 ग्राम का हो जाएगा 12 × 7, तो 12×7=84 रुपया। ठीक है, 50 ग्राम अभी और निकालना है, तो 50 ग्राम भी निकाल लेंगे। 100 ग्राम का आधा 50 ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम का 12 रुपया है, तो 50 ग्राम का 6 रुपया हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 84 और 6, तो ये हो जाएगा 90 रुपया। ठीक है, तो 750 ग्राम का दाम आ गया 90 रुपया और 3 किलो का 360 रुपया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 360 और 90, तो हो जाएगा 0, 6 और 9, 15 के 5, हासिल 1, 1, 3, 4, तो टोटल दाम आ गया 450 रुपया। तो 3 किलो 750 ग्राम मछली का दाम आ गया 450 रुपया, 450 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किलोग्राम वाला सवाल को आसानी से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। धन्यवाद।